नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। शहर में अतिक्रमणकारियों ने इजाद किया अतिक्रमण का नया तरीका। रानीपुरा स्थित दौलतगंज क्षेत्र में बड़े बड़े कंटेनर रखकर कंटेनर में किए जा रहे थे ऑफिस संचालित। शिकायत के बाद निगम अमले ने क्रेनों के माध्यम से कंटेनर उठाकर किए जब्त। इंदौर पुलिस ने की एक नई पहल, लोगों को त्वरित न्याय दिलाने हेतु डिस्पोजल ऑन स्पॉट कैंप लगाया पुलिस थाना बाणगंगा में। 47 लंबित आपराधिक प्रकरण, 90 लंबित मर्ग व 120 लंबित शिकायतों का ऑन द स्पॉट किया गया निराकरण। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में दो दिन पूर्व देर शाम चाकूबाजी कर क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरार 2 आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। पूछताछ में आरोपियों ने नशे की हालत में वारदात को अंजाम देना कबूला। घटना वाले दिन ही 2 आरोपी छूटे थे जेल से। सुनसान क्षेत्र में बैठकर पेट्रोल पंप पर डकैती की बना रहे थे योजना। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में दो दिन पूर्व देर शाम चाकूबाजी कर क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। 2 आरोपी अभी फरार है जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है जहां दो दिन पूर्व 8 आरोपियों ने मिलकर केसरबाग रोड से तेजपुर गड़बड़ी क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया था, जहां दुकानों पर तोड़फोड़ की गई थी व चाकू लहराकर दहशत का माहौल बनाया था। वहीं आज पुलिस ने इन आरोपियों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से देशी पिस्टल, चाकू व लोहे की रॉड पुलिस ने बरामद की है। शाम को थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर घड़ीबाजी करने और चाकू लहरा करके आम जनता को भयभीत करने वाले 8 बदमाशों में से 6 बदमाशों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। ये सभी सती टेकरी बाईपास रोड पर ये हथियारों से लैस होकर के पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे थे। घटना इस प्रकार है कि 19 नवंबर की शाम को तेजपुर गड़बड़ी मल्टी में लक्की, सोनू काला, गिरीश और पंडित सोनू सोलंकी और उसके अन्य साथियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी कि विपर्याती दिनेश और मुकुंद से अवैध अड़ीबाजी करके अवैध रूप से रुपयों की मांग की गई है और नहीं देने पर मारपीट करके उनको चोटें पहुँचाई। इसमें एक जो फरियादी था उसको पैर में चाकू की चोट आई थी और दूसरे फरियादी को हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोटें आना मेडिकल में स्पष्ट हुआ था। इन्हीं आरोपियों के द्वारा सहज रेजिडेंसी स्कीम 103 के सामने दुकानों पर दुकानदारों को चाकू लहरा करके डराया धमकाया गया था और अड़ीबाजी करके जबरदस्ती दुकानें बंद करने की और रुपयों की मांग की गई थी। साथ ही दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई थी। इस पर से इन आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुए थे जिसमें 757/19 धारा 327/5/427 का दर्ज हुआ था और दूसरा अपराध 757/19 327/5/427 के तहत पंजीबद्ध किया गया था। इन सार्वजनिक स्थान पर भय काबू करने वाली घटना करते हुए इन आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए थे। पूरी गंभीरता से इसमें तलाश के लिए एसपी वेस्ट और उनकी टीम को निर्देशित किया गया था। इसमें एडिशनल एसपी मनीष खत्री के द्वारा इसके तत्काल टीमों का गठन किया गया। इसमें पीआई राजेंद्र नगर की टीम सीएसपी पुलिस दोनों के नेतृत्व में बनाई गई और इसमें लगातार कार्रवाई करते हुए राजेंद्र नगर और अन्नपूर्णा के स्टाफ ने इनकी गिरफ्तारी के लिए गंभीर प्रयास चालू किए। इसमें 21 तारीख को थाना प्रभारी राजेंद्र नगर को मुख्य सूचना प्राप्त हुई कि राउ तेजाजी नगर बाईपास पर सती टेकरी के पास हनुमान मंदिर के बाजू में टीम के चादर में एक पेड़ है, वहां पर ये कुछ आरोपी छिपे हुए बैठे हैं जो पेट्रोल पंप पर भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे हैं। इस पर पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इन्होंने नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया था। वहीं 2 आरोपी घटना वाले दिन ही जेल से छूटे थे। वह एक सुनसान क्षेत्र में बैठकर पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे थे। पकड़ाए गए आरोपियों पर पूर्व में भी अपराध दर्ज है। वहीं आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 19 नवंबर को इंदौर से भोपाल के लिए निकली गांधी दर्शन पदयात्रा देवास भोपाल टोल नाके से निकलकर सोनगंज पहुंच चुकी है। यात्रा प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राकेश सिंह यादव के संयोजन में यात्रा लगातार जारी है। यात्रा में सूत काटते हुए महात्मा गांधी की प्रतिमा सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वहीं अन्य वाहनों पर लगे महात्मा गांधी के संदेश भी यात्रा की सार्थकता को दर्शा रहे थे। यात्रा में 100 से अधिक लोग शामिल है जिनके रजिस्ट्रेशन किए गए थे। यात्रा शुक्रवार को सोनगंज पहुंची।
अब शनिवार को सुबह सोनकच्छ से अपने अगले पड़ाव में मेहतवाड़ा के लिए रवाना होगी। ज्ञात रहे कि 9 दिवसीय पदयात्रा अंतिम दिन भोपाल पहुंचेगी, जहां मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथों सभी अतिथियों का स्वागत व सम्मान होगा। आज ये यात्रा सोनकच्छ पहुंची है, जो देवास बोरादा टोल नाके से शुरू हुई थी। सोनकच्छ के लोगों का बहुत प्यार और विश्वास मिल रहा है। आज कमलनाथ सरकार जो जनहित के काम कर रही है, वो उसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ के लोग भी नाथूराम गोडसे के खिलाफ़ हैं और गांधी जी की विचारधारा के साथ हैं। आप सब यहाँ देख रहे होंगे कि सारी पब्लिक बाहर निकल के समर्थन में आई है। इसका सीधा अर्थ है कि इस देश में गांधीगिरी और गांधीवादी चलेगा, नाथूराम गोडसे नहीं चलेगा। आप देखिए, कोई अच्छा काम करने निकलते हैं थोड़ी तकलीफ होती है, तो तकलीफ सहने की आदत डालना पड़ेगी, क्योंकि जब आज़ादी हमारे पूर्वजों ने दिलाई है तो उन्हें कितनी तकलीफ सही होगी। इसका एहसास उसी व्यक्ति को हो सकता है जो पैदल चलेगा इतने समय, तो उसको ये एहसास होगा कि देश की आज़ादी किस तरीके से मिली थी और महात्मा गांधी जी ने कितना संघर्ष किया था। कल यहीं सोनकच्छ से प्रारंभ होगी और मेहतवाड़ा शाम को पहुंचेगी। मेहतवाड़ा में रात्रि विश्राम रहेगा। इंदौर पुलिस ने थाना बाणगंगा में एक नई पहल करते हुए लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करने की शुरुआत की है, जिसके तहत हाथों हाथ समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इंदौर की इस नई पहल के माध्यम से पुलिस थाना बाणगंगा ने इंदौर के कुल 47 लंबित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण किया। कुल 90 लंबित मर्गों का निराकरण किया गया एवं 120 लंबित शिकायतों का निराकरण किया गया। थाना बाणगंगा पर की गई इस प्रकार की पहली पहल उक्त वरिष्ठ अधिकारीगण के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। ये एक नई पहल हमने यहाँ पे इंदौर में करी है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन अनुसार। जैसे कि पुलिस लगातार डिफरेंट ड्यूटीज में व्यस्त रहती है, फिर दिसंबर के महीने में हमारा टारगेट होता है कि हमारा अधिकतम निराकरण हो जाए केसेस का, क्योंकि पीड़ित को भी न्याय मिल सके और आगामी साल के जो केसेस उनके लिए विवेचक फ्री हो सके, ओवरलोड ना रहे। तो आईओ को प्रॉब्लम ये होती है कि उनको कई जगह जाना पड़ता है, कोई भी डिस्पोजल है तो उसमें FSL की मत होता है, कई बार हमारे अभियोजन अधिकारियों का मत होता है, कई बार वरिष्ठ अधिकारियों का मत होता है। तो सारी चीज़ें एक टेबल पे अवेलेबल करा दें, ऐसा हम लोगों ने प्रयास किया और इसके लिए एक कैंप यहाँ पे आयोजित किया। इस कैंप में हमारे अभियोजन अधिकारी हैं, FSL अधिकारी हैं, SDM साहब हैं, CSP, हम लोग सभी पूरी टीम है, असिस्टेंट मैडम भी आई थी, SP साहब भी आए थे। तो मुख्य रूप से मतलब ये डिस्पोजल के लिए जो एक चीज़ के लिए 8 से 10 दिन लग जाते हैं, वो सारी चीज़ एक दिन में सेम डे में ही कर लें, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था और ये सफल हुआ पूरी तरह ये प्रयास। इसमें अभी तक लगभग हम लोग 80 के आसपास मर्ग का निराकरण हम लोग अभी तक कर चुके हैं और भी होंगे। अभी उम्मीद है कि करीब करीब 150 शिकायत आवेदन पत्रों का निराकरण हो जाएगा और 50 से 60 के बीच में अपराधों का भी डिस्पोजल हो जाएगा। तो एक बड़ी संख्या में डिस्पोजल आज संभव हुआ है और निश्चित तौर पर इस प्रकार के कैंप लगाने से एक नई ऊर्जा के साथ आइए उसको भी बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि उन लोगों को एक ही काम के लिए कई जगह जाना आना पड़ता है और अपना पूरा लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। तो इसमें आज एक ही स्पॉट पे सब लोग मिल गए तो डिस्कशन भी अच्छे हुए और साइंटिफिक ओपिनियन भी मिल गया, लीगल ओपिनियन भी मिल गया। सारी चीज़ें क्लियर होने से बहुत ही स्मूथ और न्यायसंगत निराकरण करने में सफलता प्राप्त हुई है। तो इसको वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि इसको रिप्लिकेट करके और थानों में इसको लागू किया जाएगा। इस प्रकार की पहल से लोगों को आसानी से लंबित प्रकरणों में इंसाफ मिल पाएगा। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इस डिस्पोजल ऑन स्पॉट कैंप को पूरे जिले में लगाया जाएगा और जो भी लंबित प्रकरण है उन्हें ऑन द स्पॉट निराकरण किया जाएगा। इंदौर के शहरी क्षेत्र में अब प्रारंभ हुआ है अतिक्रमण का नया तरीका, जहां कंटेनर रखकर बना दिया ऑफिस और किराए से भी दे दिया, लेकिन नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों की मंशा पर पानी फेर दिया। मामला इंदौर के रानीपुरा से दौलतगंज क्षेत्र का है। बताया जाता है कि दौलतगंज क्षेत्र में नर्मदा टंकी के पास कुछ लोगों ने बड़े बड़े कंटेनर रखकर किराए से दे दिए थे। इन कंटेनर में ऑफिस संचालित हो रहे थे। वहीं दौलतगंज के रहवासी काफी समय से इस अतिक्रमण से परेशान थे। वहीं निगम की इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिली। नगर निगम ने आज कार्रवाई करते हुए उक्त कंटेनर को बड़ी क्रेनों के माध्यम से उठाकर जब्त कर लिया। निगम को लंबे समय से यहां कंटेनर के माध्यम से अतिक्रमण किए जाने की शिकायत मिल रही थी। ये शहरी क्षेत्र में पहला मामला है जब कंटेनर रखकर अतिक्रमण किया गया है। पहले नगर निगम अधिकारी भी समझ रहे थे कि किसी ने कुछ समय के लिए यहां कंटेनर रखे होंगे, लेकिन जब इन कंटेनर में ऑफिस प्रारंभ हो गए तब निगम ने इन्हें जब्त करने की कार्रवाई की।
ये जो आज कार्रवाई है ये दौलतगंज में हो रही है। दौलतगंज जो चौक है यहाँ पर दो कंटेनर रखे हुए हैं जिनको हटा रहे हैं। पहले जो ये कंटेनर रखे हुए थे तब कुछ लीज का मामला था, वर्तमान में ऐसे कोई इनके पास अब यहाँ का आधिपत्य बताने के लिए कोई कागजात नहीं बचे हैं, लिहाजा दोनों कंटेनर को हटा रहे हैं। तब किसके थे ये कंटेनर? अंसारी हैं। हरी ट्रक मामले से जुड़े एक वीडियो के वायरल होने के बाद पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा काफी चर्चित हो चुके हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस मामले में चर्चा हो रही है। इसी बीच लक्ष्मीकांत शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से सफाई देकर अपनी बात रखी है। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया है और जो वीडियो वायरल किया गया है उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र के नागरिक बंधुओं और मेरे सभी शुभचिंतक महानुभाव, आप सबको पता है कि पिछले 6-7 वर्षों से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं। निर्वासित सा जीवन जिया है, लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई में आप सब मेरे साथ में रहे हैं। अनेक षड्यंत्रकारियों ने बहुत षड्यंत्र रचे लेकिन इस संघर्ष घड़ी में आप सब मेरे साथ में खड़े रहे हैं। अब पुनः कोई एक बड़ा षड्यंत्र हुआ है, मीडिया में कुछ सामग्री आई है जो संदिग्ध है, निश्चित रूप से इसके पीछे कोई बड़े षड्यंत्रकारी हैं जिनने ये षड्यंत्र करके ये सब मेरी सार्वजनिक जीवन को, मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। इसकी जांच होना चाहिए और षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश भी होना चाहिए। जहां तक मेरे संगठनों की बात है, मेरी पूर्ण निष्ठा मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व, मेरे संगठन, मात्र संगठन और सभी संगठनों के प्रति मेरी पूर्ण निष्ठा कल भी थी, आज भी है, वो हमेशा जीवन पर्यंत रहेगी, ऐसा विश्वास दिलाता हूं। और बस इस संघर्ष के समय में आप सबका स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ है, ऐसा ही स्नेह आशीर्वाद रहे और हम सब मिलकर के इन सब संकटों से जूझेंगे, संघर्ष करेंगे। और बुलेटिन में आप रुकेंगे फिर से ब्रेक के लिए, आप देख रहे हैं दोपहर। हर तरह की मानसिक और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए विश्व के महान मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित साइकोथेरेपी अब इंदौर में। साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, एक दवा रहित समाधान। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी। मानसिक तनाव, काम में मन नहीं लगना, उदासी, अनिद्रा, अत्यधिक विचार, चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी, अचानक तेज घबराहट, शंका या अजीब व्यवहार, बच्चों में सभी तरह की मानसिक, व्यावहारिक और पढ़ाई संबंधी समस्याएं, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्लो लर्निंग, याददाश्त और एकाग्रता में कमी, नशा, मानसिक दौरा, हिस्टीरिया, कोई एक विचार या व्यवहार बार बार करना, लोगों से बात करने में दिक्कत महसूस करना, गंभीर शारीरिक बीमारियों की चिंता, मनोदैहिक समस्याएं, आत्महत्या के विचार आना, प्रेम और वैवाहिक समस्याएं, लंबे समय से साइकेट्रिक दवाइयों का सेवन। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से ग्रसित है तो एक दवा रहित समाधान द्वारा इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। परामर्श के लिए संपर्क करें डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, समर्थ साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर। पता, पहली मंजिल हेरिटेज बिल्डिंग, हुकुमचंद घटा घर के सामने, MG रोड, इंदौर। मोबाइल नंबर 9300910036, 8269429737। पूर्व समय लेकर आए। क्या आप झाइया, काले दाग, दाग खाज, खुजली और अन्य चर्म रोगों या फिर कमर, घुटना, एड़ी और नसों के असहनीय दर्द से परेशान हैं? तो आपकी सभी परेशानियों का हल है डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक। जी हाँ, यहाँ आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक पद्धति से योग्य और अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक, पता जेल रोड, शॉप नंबर 4, नूतन स्कूल के पास, गणेश मंडल के सामने, इंदौर। मोबाइल 9981106104। जज्बा वक्त बदलने का, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का, आधार करियर के चयन का, तो आइए इंदौर कौटिल्य एकेडमी, जहां पूरे होते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और DSP बनने के सपने, जिसके शिल्पकार हैं नरेंद्र सिंह सोमवंशी,
इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में स्थित इंदौर कौटिल्य एकेडमी को पीएससी में सफलता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें। 888-93-0073। बुलेटिन में अब रुक करते हैं अन्य शहरों से जुड़ी खबरों की। नारकोटिक्स विभाग के इंदौर विंग ने एक ऐसे तस्कर को हिरासत में लिया है जो बड़ी ही चतुराई से डोडा चूरा सप्लाई कर रहा था। मध्य प्रदेश पुलिस को नारकोटिक्स शाखा द्वारा नारकोटिक्स विंग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अजय शर्मा के निर्देशन एवं जीजी पांडेय पुलिस महानिरीक्षक नारकोटिक्स विंग इंदौर के मार्गदर्शन में श्रीमती मीना चौहान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारकोटिक्स प्रकोष्ठ मंदसौर के नेतृत्व में प्रभारी नारकोटिक्स प्रकोष्ठ मंदसौर उप निरीक्षक भारत सिंह चावड़ा की टीम ने मुल्तानपुरा फाटा महू नीमच बाईपास मंदसौर पर से वाहन टाटा 407 पिकअप क्रमांक MP43G3101 जब्त किया है। इस वाहन में बड़ी चतुराई से पीछे डाले के नीचे चैम्बर बनाकर छिपाए हुए डोडा चूरा से भरे 10 प्लास्टिक कट्टे जिनका कुल वजन 1 क्विंटल है बरामद किया गया। वाहन चालक आरोपी राकेश पिता बद्रीलाल बलाई निवासी नई आबादी ग्राम विश्निया तहसील जिला नीमच को हिरासत में लिया गया। उपरोक्त कार्रवाई में नारकोटिक्स प्रकोष्ठ में उप निरीक्षक भारत सिंह चावड़ा, राजमल दायमा, रुपेश शर्मा, आरक्षक अनीस खरे, प्रशांत कैसवास, दशरथ सिंह, चालक शंभु सिंह हाड़ा का योगदान महत्वपूर्ण व सराहनीय रहा। नागदा मेहतवा स्थित खड़खड़ वाले बाबा धाम पर पाली जा रही गोमाता के ऊपर कुल्हाड़ी से किए गए प्रहारों से हिंदू सेना द्वारा ज्ञापन SDM RP वर्मा को दिया गया। कड़े शब्दों में ये कहा कि ईंट भट्टा चालक रमेश प्रजापति द्वारा जो गौमाता के ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार किए गए हैं वह निंदनीय है और प्रशासन अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो हिंदू सेना द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा और अगर नौबत भूख हड़ताल की पड़ी तो उसमें भी हिंदू सेना पीछे नहीं हटेगी। आपको बता दें कि रमेश प्रजापति द्वारा अवैध रूप से ईंट का भट्टा गौचर भूमि पर चलाया जा रहा है। अगर गौ माता चरती चरती वहां चली जाती है तो उसके ऊपर कुल्हाड़ी फावड़ा आदि से प्रहार किए जाते हैं जिससे गौ माता जख्मी हो जाती है। ज्ञापन दिया हमने, इसलिए ज्ञापन किया कि रमेश भट्टे वाला मुझे बहुत हैरान करता है, गौ माता है और तमाम गड्ढे खोद देता है, हैरानी तमाम गाड़ी गड़ा शराब पीना दुनिया भरे के बगल में मंदिर ये सब वाली तक। कब से कर रहे हैं ये सब? ये करीब 12-14 साल हो गए, 15 साल। आपने इसकी शिकायत की? हमने बहुत शिकायत की, बहुत आवेदन दिए लेकिन अभी तक यहाँ के नेता नगरी वगैरह ये सब कुछ होने नहीं देते हैं। आज जब आपको SDM साहब को ज्ञापन देने आए तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? उन्हें आश्वासन दिया कि हम आपकी सेवा करूँगा और हम ये कार्य करूँगा, अगर नहीं करते तो अब हम अच्छा पिछले 2-3 दिनों के अंदर क्या घटना घटी जो आपको यहाँ ज्ञापन देने आना पड़ा? हमारे गायों की घाव हो गए, कुल्हाड़ियों से मारा है। कुल्हाड़ियों से मारा? कितनी गायों को लगी? हमारी कई दो गाय तीन को लगी थी जिसमें एक ठीक हो गई है। गौ सेवा कर रहे हैं और उस गौ सेवा के साथ में वहाँ पे भट्टा है रमेश प्रजापता करके, वो वहाँ पे नाजायज कब्जा कर रहा है जबकि वो जमीन गोचर जमीन है। वहाँ पे जब वो खड्डे खोदता है तो उसमें रासायनिक निकलता है, वो भी गायें पीती है तो उससे भी गायों को नुकसान हो रहा है। अब उन्होंने इनको वहाँ पे मारने की धमकी भी दी है, इनको जान का खतरा भी है और हम हिंदू सेना वाले अब पूरे इनके साथ हैं। अगर बाबा जी अनशन में बैठेंगे तो हम इनके साथ हैं, ये जो भी कार्रवाई करेंगे उनमें हम इनके साथ हैं और अब हिंदू सेना वाले पूरे उनके साथ में हैं और हिंदू सेना वाले चाहते हैं कि वहाँ से उस भट्टे को हटाया जाए। और रमेश प्रजापति, हरदा नगर की शान घंटाघर चौराहा पर पिछले एक वर्ष से खड़ी बिगड़ी हुई है लेकिन जवाबदार नगरपालिका निगम के सारे अधिकारी इस मामले में आंखें मूंदे बैठे हुए हैं जबकि कई बार नागरिक इस घड़ी को सुधारने की मांग कर चुके हैं। हरदा नगर के बाहर से आने जाने वाले ग्रामीणों की नजर जैसे ही घड़ी पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाते हैं कि घड़ी बंद पड़ी हुई है और जहां तक ज्योतिषियों की राय है तो उनका कहना है कि घड़ी बंद नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये अशुभ है, इसी कारण नगर का विकास रुका हुआ है, साथ ही व्यापार धंधे पर भी असर गिरता है। शायद अधिकारियों को शुभ और अशुभ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे सिर्फ अपना मकसद हल कर रहे हैं।
जब हमने सीएमओ को घड़ी बंद होने की याद दिलाई तो उन्होंने बताया घड़ी सुधारने के लिए भोपाल से मैकेनिक बुलाएंगे और घड़ी सुधरवाएंगे ताकि नगरवासी घड़ी में समय देख सके। साहब हरदा नगर की घंटाघर चौराहे की घड़ियां पिछले एक वर्ष से खराब है, अभी तक नगर पालिका ने नहीं सुधराई है। साहब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ मुझे भी जानकारी है जो घड़ी खराब है, पिछले 3-1 साल पहले वो घड़ी लगवाई गई थी, खैर भोपाल किसी आदमी ने घड़ी की सप्लाई की, उसको बुलवा के उसके बाद जल्दी सुधरवाने का प्रयास करते हैं। हरदा से दोपहर न्यूज के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट। प्रदेश में चल रहे खनिज संपदा के अवैध उत्खनन व परिवहन समेत अन्य मुद्दों को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता की पंचायत लगाने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत उनके गृह जिले बुधनी और सीहोर क्षेत्र से की जाएगी। आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जनता के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुनेंगे व समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे। जानकारी अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी के तहसील प्रांगण में 25 नवंबर को जन पंचायत का आयोजन कर समस्याओं का निराकरण करेंगे। आयोजन में व्यापक भीड़ जुटाने व प्रचार के लिए पार्टी द्वारा जारी प्रचार सामग्री में दिखाई गई प्रमुख समस्याओं में रेत के अवैध उत्खनन को पहले नंबर पर छापा गया है। पंपलेट में छपे रेत के अवैध उत्खनन को लेकर जिस तरह से समस्या दिखाई गई है उससे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि आने वाले समय में कमलनाथ सरकार को घेरने के लिए शिवराज अवैध उत्खनन के मामले को मुख्य मुद्दा बनाएंगे। बुधनी में आयोजित होने वाली जनपंचायत में रेत के अवैध उत्खनन समेत किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ, अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कराकर 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किसानों को फसल मुआवजा, बढ़े हुए बिजली बिल, छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप, महिला स्व सहायता समूह को दी जाने वाली सुविधाएं व मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि दिलाए जाने की समस्या प्रमुख है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बहुत विशाल आंदोलन करने जा रहे हैं, वो नसलगंज तहसील मुख्यालय पे होगा, उसमें पूरे जिले के कार्यकर्ता लोग पहुँचेंगे। उसमें जो रेत की नीति सरकार की है और वो जो रेत का अवैध कारोबार चल रहा है उसको ये सरकार रोकने में नाकाम रही है और ये उल्टे आरोप भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की पे लगा रही है कि इन्होंने इनके कार्यकाल में इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई, किंतु आज तक कोई भी स्पष्ट नीति रेत के मामले में सरकार लागू नहीं कर पाई है। अवैध बिना रॉयल्टी के लोग रेत का खनन कर रहे हैं और जिन पूर्व सरकार ने जिन रेतों जहाँ से रेतों का खनन रोका था वहाँ से अवैध रूप से रेतों का खनन बेदस्तूर जारी है, उसको रोकने में ये सरकार नाकाम रही है। उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और पूरे अधिकारी और नेता इसमें लिप्त हैं। और भी मुद्दे हैं जैसे कि सरकार ने घोषणा की थी 10 दिन में हम किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, वो ऋण माफ़ी अभी तक नहीं हो पाई है। किसान परेशान है, हैरान परेशान है, आज भी किसान कर्ज में डूबा हुआ है और ये मांग की जा रही है कि तत्काल कर्ज माफ़ी की जाए ताकि लोगों को राहत मिले, क्योंकि किसानों की स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। लोग किसान डिफाल्टर हो चुके हैं, उनको ना खाद मिल रहा है ना बीज मिल रहा है और आवास जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मोदी जी की जो एक बहुत बड़ी योजना आवास योजना उसमें भी लोगों को आवास सुरक्षित नहीं हो रहा है, लोग हैरान परेशान हैं। कुल मिला के इन सारी मांगों पे जो है वहाँ पे सभा आयोजित की जाएगी, उसमें पूरे मध्य प्रदेश से अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुँचेंगे। इस संबंध में एक विशाल सभा होगी, उसमें इन मुद्दों को उठाया जाएगा और सरकार से मांग की जाएगी कि अविलंब इन मांगों को पूरा किया जाए। दोपहर न्यूज के लिए सीहोर से अनिल मालवीय की रिपोर्ट। सनावत क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पुलिस की सख्त पकड़ और निगरानी के बाद चोर और उठाई गिरोह में डर बना हुआ था, लेकिन गत रात चोरों ने क्षेत्र में दस्तक देकर पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर दी। चोरों ने नगर के हाईवे स्थित एक मकान के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों को निशाना बनाया, जिसके बाद पुलिस सघनता से आरोपियों की तलाश में लग गई है। सभी जगह की अगर बात करें तो करीब 4 लाख से अधिक की राशि चोरी की वारदात में गई। हाईवे स्थित घर को बनाया निशाना। गोस्वामी तुलसीदास मार्ग स्थित होलकर कॉलोनी में रहने वाले निवासी नीलेश जायसवाल और नितेश जायसवाल का मकान है।
चोर घर के बाहर लगी जाली से चढ़कर घर की पहली मंजिल पर दाखिल हुए, जहां बाहर से बंद दरवाजों को टटोलने के बाद घर की अलमारी में रखे करीब 2 लाख के आभूषण पर हाथ साफ किया। मकान मालिक नितेश ने बताया कि चोर घर से 2 गले की चेन, 2 अंगूठी, पाइजेब सहित करीब 2 लाख से अधिक के आभूषण चुरा कर ले गए। वहीं घटना का पता लगने पर आरोपी पथराव करते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए दोपहर न्यूज। नमस्कार। हर तरह की मानसिक और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए विश्व के महान मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित साइकोथेरेपी अब इंदौर में। साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, एक दवा रहित समाधान। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी। मानसिक तनाव, काम में मन नहीं लगना, उदासी, अनिद्रा, अत्यधिक विचार, चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी, अचानक तेज घबराहट, शंका या अजीब व्यवहार, बच्चों में सभी तरह की मानसिक, व्यावहारिक और पढ़ाई संबंधी समस्याएं, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्लो लर्निंग, याददाश्त और एकाग्रता में कमी, नशा, मानसिक दौरा, हिस्टीरिया, कोई एक विचार या व्यवहार बार बार करना, लोगों से बात करने में दिक्कत महसूस करना, गंभीर शारीरिक बीमारियों की चिंता, मनोदैहिक समस्याएं, आत्महत्या के विचार आना, प्रेम और वैवाहिक समस्याएं, लंबे समय से साइकेट्रिक दवाइयों का सेवन। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से ग्रसित है तो एक दवा रहित समाधान द्वारा इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। परामर्श के लिए संपर्क करें डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, समर्थ साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर। पता, पहली मंजिल हेरिटेज बिल्डिंग, हुकुमचंद घटाघर के सामने, MG रोड, इंदौर। मोबाइल नंबर 9300-910036, 8269-429737। पूर्व समय लेकर आए। क्या आप झाइया, काले दाग, दाग खाज, खुजली और अन्य चर्म रोगों या फिर कमर, घुटना, एड़ी और नसों के असहनीय दर्द से परेशान हैं? तो आपकी सभी परेशानियों का हल है डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक। जी हाँ, यहाँ आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक पद्धति से योग्य और अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक, पता जेल रोड, शॉप नंबर 4, नूतन स्कूल के पास, गणेश मंडल के सामने, इंदौर। मोबाइल 9981106104। जज्बा वक्त बदलने का, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का, आधार करियर के चयन का, तो आइए इंदौर कौटिल्य एकेडमी, जहां पूरे होते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और DSP बनने के सपने, जिसके शिल्पकार हैं नरेंद्र सिंह सोमवंशी। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में स्थित इंदौर कौटिल्य एकेडमी को PSC में सफलता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें। 888-9300733।